रायसेन के सगुन गार्डन में मिट्टी के गणेश बनाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 300 लोगों ने भाग लिया। रायसेन के सगुन गार्डन में श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवाह समिति आप और हम और दिव्य जीवन दान सोसाइटी द्वारा मिट्टी के गणेश प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रायसेन शहर के 300 लोगों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता को 3 भागों में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य इको फ्रेंडली गणेश का प्रचार प्रसार करना है। वहीं इस प्रतियोगिता का आयोजक पंकज शर्मा और दिव्य तामरकर ने बताया कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए आप और हम सभी को आगे आना है होता है, तभी पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं पर्यावरण का बचाने का संदेश दिया गया। एक्चुअली मैंने मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ करा है और मुझे रियली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गणेश जी बना के, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो हमें अक्सर घर पे ही मिट्टी के गणेश जी बनाने चाहिए और उन्हें यूज़ करने चाहिए। हमें POP को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे मतलब जल के सारे जीव जो हैं वो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है और पानी भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूट होता है। तो हमें मिट्टी के गणेश जी यूज़ करना चाहिए, या तो हम मार्केट से भी खरीद सकते हैं या फिर हम खुद ऐसे घर पे बना सकते हैं। तनु यादव। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिस समिति ने भी ये प्रोग्राम आयोजित किया, अमरनाथ समिति है, अपना रायसेन है और कई पता चला है, और बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मिट्टी का हमें यूज़ करना चाहिए और मिट्टी के गणेश जी से हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं। POP आज के समय में ये नहीं यूज़ करना चाहिए। ज़्यादातर लोग प्लास्टिक से भी बनाते हैं, प्लास्टिक का भी यूज़ करते हैं, वो अवॉइड करना चाहिए, वो हमारे पानी के लिए भी हानिकारक है। जब हम गणेश जी को पानी में सराते हैं तो वह भी मिलता नहीं है पानी में, और मिट्टी के गणेश जी मिल सकते हैं। इसका एक उपयोग भी कर सकते हैं, आप घर में बनाएं, आप किसी पानी में उनको विसर्जित करें और उसमें एक पौधा भी लगा सकते हैं, जिससे कि पर्यावरण के लिए आप बहुत कुछ अच्छा करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम भूमिका राय है।